ज्योतिष विद्या चलती कैसे है? ज्योतिष को बहुत सारी जगह पे डर के तौर पे भी यूज किया जाता है, तो एक्चुअली ज्योतिष है क्या? ज्योतिष एक साइंस है और हमारे ग्रह और सितारे जो हैं, उनको पढ़ने का ज्ञान जो है उसे ही ज्योतिष कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो और एक इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी चल रही है, दोनों में क्या फर्क है? तो निरयन पद्धति है जो हम चंद्रमा के ऊपर आधारित उसका गणित करते हैं, और सायन पद्धति में सूर्य के आधार पर करते हैं। तो फर्क क्या है, पर दोनों में क्या फर्क है? चंद्र ये मन है, सूर्य आत्मा है, दोनों की इतनी इम्पैक्ट है। वास्तु के पीछे का साइंस क्या है? शिव के प्रस्वेद से ही वास्तु की उत्पत्ति हुई है। कैसे काम करता है ये वास्तु? यदि कोई नई जगह लेता है तो उसके पहले वास्तुदेव को याद करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, क्योंकि हर जगह पे एनर्जी वर्क करती है। हम किस तरह इस चीजों को फॉलो कर सकते हैं? शास्त्र में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि ये नहीं करने पर ये होगा। कुंडली को भी बदला जा सकता है, पर कर्मों के आधार पे। हाथों की रेखाएं भी बदलती है, ये सच है क्या? डेफिनेटली, ज्योतिष का सीधा सीधा संबंध यूनिवर्सल से है। कौन से ज्योतिष के ऊपर फेथ रखना चाहिए? ज्योतिष मनुष्य है, ज्योतिष विद्या ये विज्ञान है, विज्ञान के ऊपर फेथ करना है। रुद्राक्ष के बारे में आप बताइए, ये कैसे काम करता है? रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है शिव के पसीने से हुई है। किसी को ग्रोथ के लिए चाहिए तो कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए?